हाय एवरीवन, मैं समन सिमरन। आज मैंने बनाया है यहाँ पे वेज फ्राइड मोमोज। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है, तो इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ मेरे पास है 2 कप मैदा, 2 बड़े चम्मच ऑयल, रिफाइंड ऑयल है, और साथ ही साथ यहाँ मेरे पास है पानी एज रिक्वायर्ड, और साथ ही साथ यहाँ मेरे पास है स्वाद अनुसार नमक। ये इंग्रेडिएंट हो गए हैं डो के लिए। अब मैं आपको स्टफिंग के लिए इंग्रेडिएंट बता रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ मेरे पास है 1 कप भर के पत्ता गोभी, जिसे मैंने जूलियंस में कट कर लिया है। मेरे पास है 1 बड़े साइज का गाजर, जिसे मैंने जूलियंस में कट कर लिया है, और साथ ही साथ यहाँ मेरे पास है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। यहाँ मेरे पास है 1 बड़ा चम्मच अदरक, 4 लहसुन के जवे जिसे मैंने बिल्कुल पतला पतला चॉप कर लिया है, 1 हरी मिर्च को मैंने चॉप कर लिया है, 1/2 छोटा चम्मच मेरे पास है काली मिर्च का पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक। तो आइए चलते हैं, अब हम रेसिपी के तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम मोमोज के लिए डो बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ मेरे पास मैदा है, उसमें मैं डाल दूंगी नमक और पानी। अब हम एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करेंगे मसलते हुए। अब इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दें। ये देखिए डो बनकर तैयार है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 टीस्पून ऑयल, और इसे हम अच्छे से मसल लेंगे एक बार फिर से। ऐसा करने से डो हमारा सॉफ्ट बना रहेगा और इससे हमारे मोमोज बहुत अच्छे बनेंगे। इसे चिकना कर लें। ये देखिए डो बनकर बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल चिकना हो चुका है हमारा डो। मैंने इसे करीब 5 मिनट के लिए गूंदा है ऑयल डालने के बाद। तो अब हम इसे कवर करके रख देंगे 30 मिनट्स के लिए, जिससे कि डो हमारा राइज कर जाएगा। जब तक हमारा डो राइज करता है, तब तक हम स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस के फ्लेम को ऑन कर लेंगे। इस पे एक कढ़ाई रख दे, कढ़ाई को गर्म होने दे मीडियम फ्लेम पे। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने दे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये लहसुन, अदरक, इन्हें अच्छे से सौटे कर लें। लगातार चलाते हुए हम इसे सौटे कर लेंगे करीब 1 मिनट के लिए। फ्लेम को मीडियम ही रहने दें। ये देखिए अदरक और लहसुन सौटे हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्च। इसे भी चला लें 1 मिनट के लिए। 1 मिनट हो चुके हैं, हरी मिर्च भी सौटे हो चुकी है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये पत्ता गोभी और गाजर, और अब इन्हें मिक्स कर लें अच्छे से। हमें इसे करीब 5 मिनट के लिए इसी तरीके से सौटे करना है मीडियम फ्लेम पे ही, जिससे कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। करीब 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये काली मिर्च का पाउडर, नमक। नमक को आप बैलेंस कर लें और इसे अब मिक्स कर लें अच्छे से। ये देखिए काली मिर्च और नमक अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, तो हम इसे इसी तरीके से चलाते हुए करीब 15 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि ये सब्जियां सॉफ्ट हो जाएंगी। ध्यान रहे कि हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है। ये देखिए चलाते हुए करीब 15 मिनट हो चुके हैं और ये दोनों सब्जियां बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, तो अब मैं गैस ऑफ कर लूँगी। अब हम इस स्टफिंग को इसी तरीके से चलाते हुए ठंडा करेंगे। स्टफिंग बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे साइड पे रख देंगे, और अब हम डो से छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। इस साइज का लेमन साइज के बराबर है ये लोई। इसे इस तरीके से चपटा कर लें। बाकियों को भी हम इसी तरीके से बांट लेंगे। सारे लोई बनकर तैयार है। पूरे आटे से करीब 20 मोमो बन जाएंगे। तो आइए चलते हैं, अब हम इन्हें बेल लेंगे। एक लोई ले लें, इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें और इसे थोड़ा सा फैला लें। तो अब हम इसे बेल लेंगे। बिल्कुल पतला बेलना है हमें इसे। देखिए मैंने रोटी को बेल लिया है। ये इतनी थिन होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, तभी मोमो ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार होंगे। अगर रोटी आपकी मोटी रह गई तो मोमो अच्छे नहीं बनेंगे। तो अब मैं इसमें स्टफिंग भर दूंगी। स्टफिंग को लंबाई में रखें, करीब 1 चम्मच स्टफिंग है, और अब हम इसे कवर कर लेंगे।
आप चाहें तो इसे कोई भी शेप में बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस सिरे को जोड़ देंगे इसमें, उसके बाद दोनों तरफ से इसे उठा के ऐसे चिपका देंगे, फिर एक बार उठाएंगे और इसे चिपका देंगे, एक बार और उठाएंगे और इसे चिपका देंगे, एक बार और इसे ऐसे सील कर देंगे। तो बनकर तैयार है मोमो। अब हम बाकियों को भी इसी तरीके से बना लेंगे। अब हम पानी को गर्म होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा पानी गर्म होता है, हम इस प्लेट को ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लें और इसे इस तरीके से ग्रीस कर लें। प्लेट अच्छे से ग्रीस हो चुकी है। पानी को गर्म होते हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं, ऊपर तक स्टीम आ रही है। तो अब मैं डाल दूंगी इसमें मोमोज। इन्हें थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखें। तो अब मैं इन्हें कवर करके 5 मिनट के लिए पका दूंगी। जिन मोमोज को फ्राई किया जाता है, उन्हें 5 मिनट के लिए ही स्टीम करना होता है, इस बात का ध्यान रखें आप। जब तक ये स्टीम हो रहे हैं, हम दूसरी ओर पे कढ़ाई को रख देंगे और उसमें तेल डाल के उसे हाई फ्लेम पे गर्म कर लेंगे। करीब 5 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इन्हें चेक कर लेती हूँ। वाओ, ये अच्छे से पक चुका है। तो अब मैं इसे गैस ऑफ करके निकाल लूँगी। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी मोमो। मोमो को जब भी फ्राई करें तो ऑयल को हाई फ्लेम पे ही गर्म करें। अब मैं इन्हें पलट दूँगी। इसे हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे हम, नहीं तो ये तेल को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। मोमो ने कलर को चेंज कर लिया है, ये लाइट ब्राउन हो चुकी है। तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। तो बनकर तैयार है वेज फ्राइड मोमोज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, नीचे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।